हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में स्मूथ फेस फोटो एडिटिंग। तो इसके लिए आपको स्केचबुक ऐप की जरूरत पड़ेगी। स्केचबुक ऐप को आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां से ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी में से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज ओपन होने के बाद आपको ऊपर में कुछ आइकॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से आपको इस आइकॉन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसमें बहुत सारे ब्रश की लाइब्रेरी देखने को मिलेंगी, तो इसमें से आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग को आपको कुछ इस प्रकार रखना है। इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और इसके फ्लो को हमें 1% रखना है और स्ट्रेंथ को भी 1% ही रखना है और आपको क्लोज कर लेना है। अब मैं अपने फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नीचे में आपको एक डॉट देखने के लिए मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करने से अपनी ब्रश का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। तो आपको इसे धीरे धीरे से स्मूथ कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक छोटी सी कमेंट भी कर देना। अब हमें इस लेयर के आइकॉन पर क्लिक करके एक लेयर को ऐड कर लेना है और इसके ब्लेंड मोड को जो है हमें वो सॉफ्ट लाइट रखना है। अब हमें लाइब्रेरी पर क्लिक करके एक पेंट ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें यहाँ से एक स्किन कलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें इस डॉट पर क्लिक करके इस ब्रश की साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और अपने फेस पर पूरी तरह से पेंट कर लेना है। अब हमें लेयर के आइकॉन पर क्लिक करके हमें इस सॉफ्ट लाइट वाले लेयर पर क्लिक कर लेना है। इस लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। अब हमें फिर से लेयर के आइकॉन पर क्लिक करके एक लेयर को ऐड कर लेना है और इसके ब्लेंड मोड को जो है हमें डार्कन रखना है। फिर आपको एक कलर को सिलेक्ट करके अच्छे से पेंट कर लेना है। अब हमें डार्कन के लेयर पर जाकर HSL एडजस्टमेंट पर जाकर यहाँ से ह्यू चेंज करने पर अपने चश्मे का कलर चेंज होगा। अब अपनी फोटो रेडी हो चुकी है। अब इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है।